मीन्स हैप्पी बसंत पंचमी। तो आज है बसंत पंचमी और सबके घरों में येलो चावल, मीठे चावल है वो बनते हैं। तो किस तरह से ये चावल आसानी से बन जाते हैं, वो कच्चे भी ना रहें और दिखने में भी सुंदर लगे, खिले खिले बने, तो उसके लिए आज आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आपको भी ये वीडियो देखनी है, आपको ये रेसिपी देखनी है, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, हमारे चावल है बिल्कुल एकदम से अंदर तक कुक हुए हैं, खिले खिले चावल है बन के रेडी हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। चावल बनाने के लिए हमें एक कटोरी चावल ले लिया है, उसको अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है, थोड़ी देर के लिए भिगो दिया है। और इसी के लिए हमें चाहिए होगी थोड़ी सी चीनी। कलर के लिए हमें फूड कलर चाहिए होगा, गोल्डन जो कलर आता है, येलो कलर, वो हमने ले लेना है, जिससे चावल में बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। गार्निशिंग के लिए हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लेने हैं, काजू है, बादाम है और किशमिश है, आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो, आप नारियल वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इन्हीं चीज़ का लगाने के लिए हमें लौंग, इलायची और बड़ी छोटी इलायची दोनों हमने लेनी है। तो लौंग हमने कूट के यूज़ करना है, इलायची हम ऐसे ही यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए तड़का लगाना शुरू करते हैं। एक पैन ले लेंगे, उसमें हमने 1 चम्मच देसी घी का ले लेना है, इसको गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो चुका है, हमने इलायची डाल देनी है, थोड़ा सा कूट के मैंने इसके ना बीज निकाल लिए हैं इस तरह से। जिस कटोरी से हमने चावल मैयर किए हैं उसी कटोरी के नाप के हमने पानी डाल देना है। एक कटोरी चावल ली है तो एक कटोरी ही हम पानी डालेंगे। अब पानी में बॉयल आना चुका है शुरू, तो अब इसमें हमने फूड कलर डाल देना है। फूड कलर से बहुत ही यम्मी सा कलर आता है। तो अच्छी तरह से बॉईल हमारा आ चुका है, थोड़े से हमने जो चावल अपने भिगो के रखे हुए हैं वो डाल देंगे। अब इसमें बॉईल आना शुरू हो चुका है, जब तक ये पानी आधा नहीं रह जाता फ्रेंड्स, तब तक हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे, क्योंकि उसकी वजह से फिर चावल है वो कच्चे रह जाते हैं। तो अब इसको अच्छी तरह से हम बॉईल आने देते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, अब देख लेते हैं हम चावल। देखिए ये हमारे 50% है चावल, वो पक चुके हैं। तो अब इसमें हमने डाल देनी है चीनी। इस तरह से परफेक्ट चावल है हमारे बन के रेडी हो जाएंगे, कच्चे भी नहीं रहेंगे और खिले खिले भी बनेंगे। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से हिला के हमने आंच को धीमी कर देना है, क्योंकि चाशनी भी थोड़ी बनेगी तो उसमें भी चावल है जो भी हमारे रह जाते हैं, थोड़ा सा किनकी रह जाती है, वो पक जाती है। अच्छी तरह से इसको पकने दें। अब ये ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, अब इसको 2 मिनट के लिए और ढक देंगे। तो ये बनके रेडी हो चुके हैं, अच्छी तरह से चावल है वो कुक हो चुके हैं। अब इनको हमने गैस को कर देना है बंद, इसको करेंगे सर्व। बहुत ही अच्छे चावल कुक होके रेडी हो चुके हैं। तो अच्छी तरह से चावल है कुक हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से 5 मिनट में बनके रेडी हो चुके हैं। बस इसकी ट्रिक यही होती है कि हमने इसको आधा कुक वैसे ही पानी में सिंपल में करना है, उसके बाद हमने इसमें चीनी डालनी है। अब इसको हमने ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर देना है। तो इस बसंत पंचमी के मौके पर आप भी इन चावल को ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, वेज विलेज रेसिपी।